सूचना के आधार पर बेरमो अनुमंडल पुलिस पर अधिकारी सुभाष चंद जाट ने निशान हाट बोकारो थर्मल की फेज टू में छापामारी की और पिकअप गाड़ी पर लदा चोरी का 10 क्विंटल लोहा के साथ 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। एएसपी जाट ने बताया कि कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में लोहा चोरी काफी चल रहा है। इसके पहले भी एक गाड़ी को लोहा के साथ पकड़ा गया है। छापामारी में पकड़े गए हुए लोग के नाम फारूक शेख, मिथुन तूरी और संजय कुमार गुप्ता है। फारूक शेख पहले भी लोहा चोरी में जेल जा चुका है। छापामारी दल में थाना प्रभारी परमेश्वर लियांगी, बबन सिंह, प्रेम मोहन झा, इंदर कुमार चौरसिया, अरविंद कुमार और सत्येंद्र बैठा शामिल थे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि बीटीपीएस एरिया के अंदर लोहा चोरी हो रही है। तो अभी 20 तारीख को एक गुप्त सूचना मिली और उस गुप्त सूचना के आधार पे एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया। उसमें करीब 10 क्विंटल लोहा है और तीन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आदमी जो है वो पहले भी जेल जा चुका है। तो हम लोगों ने पहले भी 2-3 केस किए हैं और हम लोग जल्दी ही जो है पूरे सिंडिकेट को उखाड़ फेंकेंगे बीटीपीएस एरिया से। ये बेसिकली देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, उन्हीं का अबैंडन्ड लोहा है, जैसे सीसीएल हुआ या थर्मल स्टेशन हुआ या डीबीसी हुआ।